कोरोना वायरस जैसी भयानक बीमारी के बीच सर्वे का काम कर रहे शिक्षकों ने आज जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर जिला शिक्षा अधिकारी पर भेदभाव का आरोप लगाया और बताया कि 7 दिन से चल रहे सर्वे के बाद भी शिक्षकों को पर्याप्त किट उपलब्ध नहीं कराया गया है, जिसके चलते उन्हें भी संक्रमण का खतरा पैदा हो सकता है। वहीं शिक्षक संघ सियाराम से जुड़े शिक्षकों ने आज जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर जिला शिक्षा अधिकारी पर सर्वे में चुनिंदा लोगों को ड्यूटी लगाने का आरोप लगाया और उनके चहेतों को इससे दूर रखा गया है। इस समस्या को लेकर आज शिक्षक तड़पते पहुंचे और उन्होंने इसकी शिकायत करते हुए मामले में जांच कराने की मांग की है। इसके साथ ही उन्होंने जिला प्रशासन पर भी सवाल खड़े करते हुए कहा कि एक शिक्षक की ड्यूटी 5 से 7 होम आइसोलेट मरीजों की निगरानी के लिए लगाई गई है, जबकि उनके घर दूर दूर है। ऐसे में इसकी निगरानी संभव नहीं है और प्रशासन उन पर कार्रवाई करने का दबाव बना रहा है, जबकि जिले में हजारों की संख्या में शिक्षक हैं। सभी को इसमें ड्यूटी दी जानी चाहिए, जिससे ये काम आसानी से पूरा किया जा सके और किसी को परेशानी न उठानी पड़े। उन्होंने कहा कि यह भयानक महामारी सभी के लिए परेशानी बन सकती है, इसीलिए सभी को मिलजुल कर काम करने की आवश्यकता है। तरह की समस्याएं आ रही हैं और आप अपनी तरफ से क्या व्यवस्थाएं कर रहे हैं? माननीय जिला कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार जिला शिक्षा अधिकारी महोदय माध्यमिक श्री देवी सिंह जी कछावा को निर्देश दिया गया कि शिक्षकों को सर्वे और आइसोलेशन जो मरीज है उनकी निगरानी के लिए ड्यूटी दी जाए। लेकिन पिछले 6 दिन से संगठन और शिक्षक बार बार चीख चीख के चिल्ला रहा है कि हमको आइसोलेशन और इनके सर्वे के लिए मास्क और सैनिटाइजर उपलब्ध कराया जाए। आज जाके प्रशासन को ये नींद खुली है और आज कुछ सैनिटाइजर और मास्क टीचर्स को उपलब्ध कराए गए हैं। टीचर अपनी रिस्क पे सर्वे कर रहा है, आइसोलेशन वालों की निगरानी कर रहा है। दूसरा, जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से लिस्टें जारी हो रही है, उनमें एक एक शिक्षक को 6-6, 7-7 घर दिए जा रहे हैं और उनकी चेकिंग भी की जा रही है। लेकिन यदि शिक्षक को 6-6 घर दिए जाएंगे, एक घर यहाँ पर है, 1-2 किलोमीटर दूर है, दूसरा 3 किलोमीटर दूर है, तो दोनों तीनों चारों पांचों घरों की निगरानी करते करते कहीं न कहीं तो वो अनुपस्थित रहेगा किसी एक टाइम पे। तो इस बात की उन्होंने कानूनी कार्रवाई की भी और अनुशासनात्मक कार्रवाई की आज धमकी भी दी अखबार के माध्यम से, जो कि सरासर गलत है। यदि एक टीचर को एक ही घर दिया जाए और रोटेशन प्रणाली अपनाई जाए कि 5 दिन तक एक टीचर एक आइसोलेशन की मरीज की निगरानी कर रहा है, 5 दिन दूसरा शिक्षक उसमें ड्यूटी लगेगा। हमारा शिक्षक पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ सर्वे और आइसोलेशन के मरीजों की देखभाल कर रहा है, आगे भी करेगा। लेकिन प्रशासन और शिक्षा विभाग को इस बारे में भी सोचना जरूरी है कि उसे सुरक्षा के साधन पूरे समय पर उपलब्ध कराए जाएं। अन्यथा अगर ऐसा नहीं होता तो कोई कदम उठाने का विचार हो, इसी संबंध में हम आज माननीय जिला कलेक्टर महोदय से मिलने आए हैं, जिला शिक्षा अधिकारी महोदय की इस बारे में हम शिकायत करने आए हैं कि ये हमारे साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। कुछ ही शिक्षकों की बार बार ड्यूटी लगाई जा रही है और कुछ शिक्षकों को घर पे आराम करने के लिए बिठाया जा रहा है, क्योंकि उनके वो चाहते हैं।